स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 11th क्लास चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट कर चुके थे लास्ट में, ठीक है, पिछले लेक्चर में। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो, और नेक्स्ट इस आज वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट केपलर्स लॉ। ओके, केपलर वॉज अ साइंटिस्ट हु हैज गिवन डिफरेंट लॉज विच आर रिलेटेड टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट्स। सन के अराउंड लगभग एट प्लैनेट्स आर देयर जो उसको रिवॉल्व करते हैं। उन रिवॉल्यूशन के लिए केपलर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने यहाँ पर तीन अपने अलग अलग लॉज दिए थे। इन तीनों लॉज का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिनमें से फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। दिस लॉ इज रिलेटेड टू ऑर्बिट ऑफ सन, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट सन के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट कैसा होगा इसके लिए यहाँ पे इसने केपलर साइंटिस्ट ने लॉ दिए हैं, ठीक है। सेकेंड इज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया जो फर्स्ट जो लॉ है एरिया का, जो सेकेंड लॉ है प्लैनेट्स के लिए या प्लैनेटरी मोशन के लिए किसके द्वारा, केपलर साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसका जो सेकेंड लॉ हम बोलेंगे लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ होगा ये, ठीक है, और लॉ ऑफ डिस्टेंस ये भी बोल सकते हैं हम इसको। देन थर्ड इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड मीन्स द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड कोई भी प्लैनेट्स कवर करेगा, जितना टाइम पीरियड कंज्यूम करेगा उसको आप टाइम पीरियड कहोगे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय द प्लैनेट्स टू कंप्लीट इट्स ओन रिवॉल्यूशन। ओके, इसका खुद का रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए जितना टाइम कंज्यूम करेगा दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, लॉ ऑफ एरिया ये इसका सेकेंड लॉ होगा, और लॉ ऑफ ऑर्बिट इसके ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन होगी, ये होगा लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स। ओके, इन सब को मिलाकर आप क्या बोलते हो, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन का जो फर्स्ट लॉ है वो यहां से आप डिफाइन करोगे। अब ये कैसे होता है ये देखो, सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट ये कह रहा है अगर कोई भी प्लैनेट एक सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट की शेप को डिसाइड कर रहा है, उस ऑर्बिट की शेप को एक्सप्लेन कर रहा है कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। केपलर का पहला लॉ उसकी शेप को डिफाइन कर रहा है, शेप ऑफ इट्स ऑर्बिट। ओके, तो ये कह क्या रहा है ये देखो आप, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ ऑल द प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ओके, जो भी प्लैनेट्स है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का ऑर्बिट होगा। जो इनका ऑर्बिट है वो एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, जबकि ये क्या है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, ये जो बनेगा एलिप्स बनेगा, ठीक है, और इस ऑर्बिट को बोलेंगे हम एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है, एलिप्स बनेगा और इस ऑर्बिट का नाम होगा एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। एलिप्स में क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं, एलिप्स में दो एक्सिस होंगे, ये इसकी मेजर एक्सिस है और ये इसकी सेमी मेजर एक्सिस बोलते हो, या फिर इसको आप
माइनर एक्सिस भी बोलते हो, ठीक है ना। ये जो बड़ी एक्सिस होगी, दो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाला जो डायमीटर, सबसे बड़ा जो डायमीटर है वो मेजर एक्सिस कहलाती है, और इसको आप माइनर एक्सिस या सेमी मेजर एक्सिस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको आप सबसे पहले ये ध्यान में रखोगे कि ये जो सन का जो एक ऑर्बिट है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्स शेप बना रहा है। इलिप्स में हमेशा दो सेंटर्स होते हैं, इलिप्स में दो सेंटर होंगे, एक ये सेंटर होगा, एक ये सेंटर होगा। जैसे आप सर्कुलर शेप बनाते हो ना, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कल है, तो सर्कल में कितने सेंटर होता है, एक सेंटर होता है ये वाला, ये जो सेंटर है इसको आप सर्कल का सेंटर बोलते हो। लेकिन यहाँ पर एलिप्स में एक सेंटर नहीं है, बल्कि एक सेंटर नहीं है, जबकि कितने सेंटर है, दो डिफरेंट सेंटर्स है। किसमें है, एलिप्स में है, ठीक है। ये वाला, ये इस शेप को आप एलिप्स कहते हो। ये एक माइनर एक्सिस होगी, ये इसकी मेजर एक्सिस होगी, ठीक है। इस मेजर एक्सिस में के ऊपर जो ये सेंटर है, इन सेंटर को क्या बोलते हैं, फोकी, इनको फोकस भी बोला जाता है, और दोनों को कंबाइनली हम इनको फोकी बोलते हैं, ठीक है। अब इनके दो सेंटर्स में से एक सेंटर पर कौन रहेगा, इन दोनों में से एक सेंटर पर रहेगा सन एस, यहां पे सन रहेगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग एक्सिस है, यहां इस रिमेनिंग सेंटर यहां पे कौन रहेगा, हाँ यहां पे कोई भी नहीं रहेगा। आप सोच रहे होंगे यहां पे प्लैनेट रहेगा, नहीं यहां पे प्लैनेट नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्लैनेट है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे मान लो अर्थ है, जो अर्थ है ना, वो प्लैनेट है, वो यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, इसको आप अर्थ मान लो, इसको आप प्लैनेट मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ से क्या समझ में आया आपके, फर्स्ट लॉ इज एग्जिस्ट हियर फॉर द पर्पज ऑफ इट्स ऑर्बिट, ओके, इट विल एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्यूशन, कि जो सन रिवॉल्यूशन कर रहा है उस ऑर्बिट का शेप क्या होगा, उस ऑर्बिट का शेप होगा एक इलिप्टिकल शेप होगा। इलिप्टिकल शेप में दो डिफरेंट सेंटर होंगे, उन दोनों सेंटर में से एक सेंटर पर तो सन होगा, दूसरा सेंटर वैकेंट रहेगा, यहाँ पे कोई नहीं है। और आपके सामने जो ये प्लैनेट है, प्लैनेट यहाँ पर रिवॉल्व करेगा इसके पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये आपका सामने इसके ऑर्बिट का लॉ आ गया, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। इसको आप अगर एक अच्छे से लिख रहे हो तो आप इसको लिखो यहाँ पे, ओके। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट लॉ को, ऑल द प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन फॉलो इलिप्टिकल पाथ और इलिप्टिकल शेप ऑफ ऑर्बिट, ओके। आउट ऑफ देम देयर आर टू सेंटर्स टू फोकस ऑफ दिस ऑर्बिट, आउट ऑफ देम वन ऑर्बिट वन सेंटर हैज सन, जो सन है वो एक सेंटर पर एग्जिस्ट करेगा और दूसरा सेंटर वैकेंट रहेगा, एंड प्लैनेट विल रिवॉल्व ऑन द ऑर्बिट, ठीक है। तो ये आपको यहां पे देखना है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं आगे सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, ये सेकेंड वाला लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इसके लिए क्या है, ये देखो आप सेकेंड लॉ को हम प्रूव भी करेंगे। ये कह रहा है व्हेन एनी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन होगी, कोई भी प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या करेगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ प्लैनेट विद रेस्पेक्ट टू सन विल स्वीप इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया इन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। ये कह रहा है देखो, यहां पर फर्स्ट लॉ में आपने सुना था ये क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट में से एक सेंटर पे यहां पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे सन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सन से लेकर यहां पर प्लैनेट तक का हम एक एरिया वेक्टर बनाएंगे, ठीक है ना, एरिया वेक्टर बनाएंगे। मान लो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का एरिया वेक्टर हो गया P, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, T टाइम के बाद, ये वाला वेक्टर यहां से यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये,
पी डैश पर आ जाएगा, ठीक है। तो जितना ये एरिया कवर करेगा, ये वाला एरिया, ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टाइम पीरियड में सेम एरिया रहेगा। यहां पर ये पोजीशन वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, ये इसकी आर मान लो, रेडियस मान लो, पोजीशन वेक्टर इसकी लेंथ ज्यादा है, और इस साइड में अगर हम बात करेंगे तो इस साइड में बनने वाला एरिया इस तरीके से होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर इसका आर्क कम हो गया क्योंकि इसकी पोजीशन वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, यहां पर आर्क बड़ा हो गया क्योंकि पोजीशन वेक्टर की लेंथ क्या है, कम है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस डिस्टेंस को इसके साथ मल्टीप्लाई, बेस मानकर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर बनने वाला एरिया क्या बनेगा, एरिया स्वेप्ट बाय दिस प्लैनेट, एरिया स्वेप्ट बाय दिस प्लैनेट, ओके। प्लैनेट पी से पी डैश पर आ रहा है, उतने ही टाइम में यहां से यहां पहुंच जाएगा क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमेशा सेम होगा। तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में ये इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया कवर करेगा, कौन, प्लैनेट, ओके, ये ध्यान रखना। इसको प्रूव करना है, प्रूव कैसे करते हैं इसे हम अभी आपके सामने बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या एग्जिट हो रहा है, क्या है यहां पे, आपको पता है एक यहां पर लगने वाला एक टॉर्क क्या होता है, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एरिया कितना है, ठीक है। तो देखो यहां पर एरिया कितना होगा, यू कैन राइट एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट डेल्टा ए, एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी दिस पोजीशन वेक्टर एस एंड पी, यह आ जाएगा 1/2 एस पी इंटू पी पी डैश, पी से लेकर पी डैश वाला जो वेक्टर है ये आ जाएगा, क्योंकि मोशन और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इन दोनों को ये मान लो बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होता है, इसका एरिया होता है, तो ये एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्या है, इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता ही है, अब ये आ जाएगा 1/2 एस पी की वैल्यू क्या है, यहां से ये है आर वेक्टर इंटू पी पी डैश, और पी डैश क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप कितना मान सकते हो, जैसे मान लो P से P तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपको पता होगा, पहले के चैप्टर्स में हमने स्टडी किया है, पहले के चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये क्या हो गया डेल्टा आर, ये क्या हो गया रेडियस हो गई इसकी, तो डेल्टा आर लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर एंड वेलोसिटी इज वी, वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा कोई भी प्लैनेट, तो वी आ जाएगा इंटू इट्स टाइम, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा डेल्टा टी, टाइम ड्यूरेशन होगा, क्योंकि डेल्टा आपको पता है चेंजेस में रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ाया होगा पहले सर ने आपको, डेल्टा को हम हमेशा किसी भी वेरिएशन को, किसी भी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 1/2 आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी। ये आपके पास एरिया स्वेप्ट आ गया कि कितना एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, दोनों को डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो इसको डेल्टा टी से डिवाइड करने पर ये कर देते हैं डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 आर वेक्टर क्रॉस वी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। इस डेल्टा टी से ये डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा
वन बाई टू आर क्रॉस डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब क्या है यहां पे, ये हो गया एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। एरिया पर यूनिट टाइम होगा, हुआ कि नहीं हुआ, एरिया होगा डिवाइडेड बाय टाइम, तो एरिया इन वन सेकंड, एरिया इन वन मंथ, एरिया इन वन डे, कुछ भी मान लो, यूनिट टाइम के लिए एरिया आ गया। जब यूनिट टाइम के लिए एरिया ये आ गया, ये कांस्टेंट होना चाहिए। प्रूव क्या करना है, ये कांस्टेंट प्रूव करना है। और ये कांस्टेंट प्रूव कब होगा देखते हैं। यहां पर आपको पता है पी इक्वल्स टू होता है एम वी पी। पी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल्स टू पी अपॉन एम। ये यहां पे रखो तो यहां पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वन बाई टू आर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन एम। और एक बात, क्या ये जो है आपके पास आर क्रॉस पी पोजीशन वेक्टर, ये वाला पोजीशन वेक्टर इनटू इसका लीनियर मोमेंटम, तो पोजीशन वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वन बाई टू एल हो जाएगा। एल इज है, एल इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। तो डेल्टा ए अपॉन टी, तो डेल्टा ए अपॉन टी ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब देखो यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, यहां पे आप ध्यान रखना, आर क्रॉस पी जो होता है ना वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। अब क्या है देखो आगे, इसको इक्वेशन नंबर वन रख लो। अब आपको ये देखना है कि आर क्रॉस एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू होता है टाउ। आर क्रॉस एंगुलर आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू होता है टाउ, ठीक है। अब एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ इक्वल्स टू होता है डी पी ओवर डी टी इक्वल्स टू टाउ। आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी, तो आर को इसके अंदर भेज दो तो ये आ जाएगा डी टी आर क्रॉस पी इक्वल्स टू टाउ। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी एल ओवर डी टी इक्वल्स टू टाउ। ये हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू टाउ टॉर्क होता है, फिर आपके पास है आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू टाउ हो गया, फिर इसके बाद है आर क्रॉस डी पी इक्वल्स टू टाउ है ही, तो डीएल डीएल अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ ही हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि यहां पर अगर इफ टाउ इक्वल्स टू जीरो, इफ टाउ इक्वल्स टू जीरो तो डीएल डीएल ओवर डी टी इक्वल्स टू भी जीरो, इनका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा, मींस वेरिएशन पर यूनिट टाइम इज जीरो। तो वेरिएशन जीरो है, इसका मीनिंग क्या हो गया, डीएल क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। डीएल क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। और डीएल कॉन्स्टेंट होने का, या एल कॉन्स्टेंट, यहां पर क्या हो गया, एल हमेशा कॉन्स्टेंट हो गया। और एल की वैल्यू कॉन्स्टेंट कब होगी, जब इसका एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहां पर देखो एल वैल्यू क्या है, एल कॉन्स्टेंट है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन लिखो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, वन बाई टू एल अपॉन एम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हैंस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो दिस इज हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड, वी हैव डेराइव्ड आवर वन लॉ ऑफ एरिया। ओके, द थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो दिस विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो ये अपना क्या है, कंप्लीट हो चुका है, ये फर्स्ट लेक्चर है आपका। इस लेक्चर में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो जितना एरिया स्वीप किया गया है किसी भी प्लैनेट के द्वारा यूनिट टाइम में, इक्वल टाइम में, हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई प्लैनेट वन मंथ में
यहाँ पर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो आने वाले टाइम में वन मंथ में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ये जो एरिया है, ये एरिया इसको मेंटेन रखना है। एरिया मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल करना है। इसके लिए आपको क्या किया आपने, एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस अपॉन हाइट, ये ध्यान रखना, बेस अपॉन हाइट। और बेस अपॉन हाइट क्या हो जाएगी, ये आर वेक्टर हो जाएगा ये, और हाइट क्या हो जाएगी, पी पी डैश वैक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये पी पी डैश आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। देन दिस पी पी डैश इज वाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आ गया। फिर आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम डेल्टा टी आ गया, वी इनटू डेल्टा टी, तो ये वी इनटू डेल्टा टी लिख दिया आपने डेल्टा आर की जगह, ठीक है। तो 1/2 डेल्टा आर क्रॉस डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा टी, टाइम से डिवाइड की पर यूनिट टाइम एरिया कैलकुलेट कर लो तो वेरिएशन आ जाएगा। टाइम डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 आर क्रॉस वी इंटू डेल्टा टी, से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आर क्रॉस वी आ गया। अब आपको क्या करना है, पी इक्वल्स टू एम वी, तो एम वी, वी की वैल्यू पी अपॉन एम आ गई, तो यहां से आपको क्या देखना है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 आर क्रॉस पी अपॉन एम। तो आर क्रॉस पी को आप एल लिख सकते हो, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है ये, पी लीनियर मोमेंटम होता है, आर एल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 एल अपॉन एम। तो इसको कांस्टेंट प्रूव करना, इसको कांस्टेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास थ्योरम होती है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी और सेवन चैप्टर में भी है, सेवन चैप्टर में बाद में कराएंगे, ठीक है। तो प्लैनेटरी मोशन है इसमें, तो आर क्रॉस एफ, जैसे कि मान लो यहां पर ये जो आपके पास आर क्रॉस एफ, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड में लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस साइड में लग रहा है, टॉर्क क्या होगा इसका, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो मैंने करी है यहां पे, आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क, तो टॉर्क की एफ की वैल्यू क्या होगी, डीपी ओवर डीटी, आर को आप अंदर ले आओ तो आर क्रॉस पी डी ओवर डीटी बाहर आ गया यहां पे, तो आर क्रॉस पी की वैल्यू क्या होगी, एल हो गई, और एल डीएल अपॉन डीटी क्या है, टाउ है, लेकिन यहां पे आपको देख रहे हो एफ इस पे ग्रेविटेशन फोर्स किधर लग रहा है, इसी साइड में लग रहा है, और आर आगे की तरफ लग रहा है, तो कोई भी वेक्टर होगा जिसका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो जीरो होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, यहां पे जीरो होगी, तो ये वैल्यू जीरो होगी, तो डीएल ओवर डीटी भी क्या होगा, जीरो होगा, डीएल ओवर डीटी जीरो होगा, तो यहां पे एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, और एल कांस्टेंट होने से यहां पे ये वाली इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आल्सो कांस्टेंट। तो दिस इज हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड आवर वन लेक्चर, वन लॉ ऑफ एरिया, सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ एरिया हमने इसको कंप्लीट किया है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट आवर लॉ ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का जो लॉ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तब तक थैंक यू, आप इसको रिवाइज करें बहुत अच्छे से, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।